हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सियाराम सिल्क शेयर के ऊपर। थोड़ा सा आज हो सकता है वॉइस में प्रॉब्लम हो, क्योंकि थ्रोट पेन कर रहा है इस वजह से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, थोड़ा सा ध्यान से आप वीडियो को अगर सुनेंगे और देखेंगे तो आपको सभी पॉइंट्स क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सियाराम सिल्क के ऊपर। इनकेस अगर आप चाहते हैं कि इस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस वीडियो आए, तो फिर आप उस पर्टिकुलर स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में उन सभी स्टॉक्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग रेगुलर अपडेट्स के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे ट्विटर या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे कि हम लोग लगातार इम्पॉर्टेंट अपडेट्स को पोस्ट करते रहते हैं, जिससे कि आपको कई सारा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं सियाराम सिल्क के ऊपर। स्टॉक का साइडवेज ट्रेड किया है, 0.77% के नेगेटिव रिटर्न के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग लिया है। लेकिन अगर लास्ट वन मंथ की बात करेंगे, स्टॉक 39.5% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, और लास्ट वन ईयर की अगर बात करेंगे, स्टॉक 58% के शानदार रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। क्लियरली अगर देखेंगे, एक बहुत ही शानदार रैली इस स्टॉक में आता हुआ दिख रहा है। तो टेक्निकल्स के ऊपर जाने से पहले हम लोग फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे। अगर हम लोग देखेंगे, 3919 करोड़ का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का पीई है 20 का, इंडस्ट्री पीई है 27.6 का, यानी कि अपने इंडस्ट्री पीई से भी अभी नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है। कंपनी का बुक वैल्यू है 265 का, तो अपने बुक वैल्यू से तकरीबन 3.5 times ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 15.4% का है, एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है, और एसेट टर्नओवर रेशियो 1.29 का। अगर हम लोग बात करेंगे, सियाराम सिल्क जो है ये आपको टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। काफ़ी जगह पे कंपनी जो है एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि यूएई, ऑस्ट्रेलिया, बहरेन, बांग्लादेश, कंबोडिया, कनाडा और भी कई सारे देश हैं। ये सभी कंट्री मेजरली आपको एक्सपोर्ट किया जाता है सियाराम सिल्क के द्वारा। अगर कंपनी के हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट कंपनी ने पोस्ट किया है। 608 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कई क्वार्टर के खराब प्रदर्शन के बाद कंपनी ने थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ अगर बात करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कांस्टेंट है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है यहाँ पे 12% का एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किया है, और यही वजह है जो 61 करोड़ के नेट प्रॉफिट के अगेंस्ट में कंपनी ने 68 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। अगर हम लोग ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे क्लियरली इंक्रीज हुआ था फाइनेंशियल ईयर 23 में। उसके बाद 24 में अगर देखेंगे, तो यहाँ पे जो है मार्जिन में हम लोगों को कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, और अभी भी जो है टीटीएम बेसिस पे भी मार्जिन में एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप है 3900 करोड़ का, और कंपनी का सेल्स है 2000 करोड़ का। तो अपने मार्केट कैप टू सेल्स की अगर बात करेंगे, तो लेस देन 2 पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी जो है लगातार डिविडेंड पे आउट भी कर रहा है, कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है। एक जो इशू आ रहा है, जो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली सेल्स में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है, और सेकेंडरी जो एक इशू है मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन का, तो यहाँ पे सेल्स में एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो बांग्लादेश में इनस्टेबिलिटी हुआ है, इसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल कंपनी को काफ़ी ज़्यादा जो है आपको बेनिफिट मिलने लगा है, क्योंकि काफ़ी सारे ऑर्डर्स जो बांग्लादेश में मिले थे, वो अब ऑर्डर कैंसिल होकर इंडिया को मिल रहे हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को मिल रहे हैं। जिससे कि क्या होगा, अगर सप्लायर कम होंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन का भी एक अच्छा चांस रहता है। बैलेंस शीट के ऊपर अगर बात करेंगे, इक्विटी कैपिटल लगातार कांस्टेंट है, जो कि एक बेहतरीन
साइन है। इसके साथ ही रिजर्व्स लगातार कंसिस्टेंटली इंक्रीज किया है। यहाँ पे डेट की अगर बात करेंगे 260 करोड़ का है, तो डेट टू इक्विटी बहुत ही नॉमिनल है और कंपनी जो है लगातार अपने फिक्स एसेट को भी इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, तो प्रमोटर के पास 67% से ज़्यादा का स्टेक लगातार बना हुआ है। एफआईआई के पास 1.48% का स्टेक है। एफआईआई का स्टेक जो है लगातार डिक्रीज हो रहा है। जून 2023 के क्वार्टर से ही लगातार एफआईआई का स्टेक डिक्रीज हो रहा है। डीआईआई के भी स्टेक की बात करेंगे तो डीआईआई का भी स्टेक यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। रेस्ट आपको 28.56% रिटेल पब्लिक के पास है, जिसमें कि 1% वो आपको विजय केसरलाल केडिया यानी कि विजय केडिया जी के पास है। रेस्ट 27.56% रिटेल पब्लिक के पास है। ओवरऑल अगर हम लोग फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो फंडामेंटल्स अच्छा है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, बिलो एवरेज भी नहीं है, एवरेज से ऊपर ही है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कंपनी के चार्ट्स के ऊपर। चार्ट पैटर्न बहुत ही शानदार है, क्योंकि अगर हम लोग मंथली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो एक बेहतरीन कंपनी ने यहाँ पे आपको पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। कौन से पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है? यहाँ पे अगर देखेंगे इस पर्टिकुलर लेवल पे 700 के लेवल पे अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो क्लियरली हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है जो एक अच्छा गिरावट हुआ। गिरावट के बाद स्टॉक रिकवर किया, वापस से गिरावट हुआ, एक बेस बनाया और स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। यानी कि दिसंबर मंथ का जो मंथली कैंडल क्लोज हुआ है अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है और एक बहुत ही बेहतरीन कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। कप एंड हैंडल पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट होता है तो टारगेट क्या होता है? टारगेट होता है कप का डेप्थ। यहाँ पे जो कप का डेप्थ है ऊपर की साइड में 700, नीचे की साइड में 100, यानी कि जो डिफरेंस है, जो ये डेप्थ है, ये डेप्थ है आपको 100 पॉइंट का। तो अगर 600 पॉइंट का ये डेप्थ है, 600 पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं ऊपर की साइड में, तो फिर हम लोगों का जो यहाँ पे टारगेट आता है, ये टारगेट आता है आपको 1300 का। तो 1300 तक का टारगेट इजीली जो है इस स्टॉक के द्वारा अचीव किया जा सकता है। एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है यहाँ पे, क्लियरली अगर देखेंगे तो ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। स्टॉक ने 2018 में अपना हाई लगाया था 790 का और अभी स्टॉक 860 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि एक मल्टी ईयर कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट, स्टॉक जो है ऊपर की साइड में यहाँ से मोर देन 50% का रैली अभी भी इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है आप यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं। जितने भी लोगों को फ्रेश बाइंग करना है, फ्रेश बाइंग के लिए एक पुल बैक का वेट करेंगे, क्योंकि अगर वीकली बेसिस पे भी देखेंगे तो नन स्टॉप रैली है। नन स्टॉप रैली कभी भी किसी स्टॉक में सस्टेन नहीं करता है, एक पुल बैक आएगा। पुल बैक 700 के लेवल तक आ सकता है, इसी वजह से पुल बैक का वेट कीजिए। एक बार पुल बैक आ जाता है फिर आप पुल बैक पे एंट्री ले सकते हैं। तो फ्रेश पोजीशन क्लियरली अभी अवॉइड करना है जब तक कि स्टॉक में पुल बैक नहीं आता है, और अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो आप होल्ड करके रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।